Hello friends, welcome back to Concept Zone and today we will start a new topic of Asian history. तो आज हम हमारी Asian history की पूरी क्लास शुरू करने वाले हैं. ये पूरी एक सीरीज है जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट Asian history देखने को मिलेगी. Complete from Paleolithic age, यानी कि from 2 million years ago से लेकर 2 million years BC से लेकर complete till Rigved and अपना जो Vedic year है वहां तक का पूरा मैं टॉपिक आपको वैदिक तक का कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो इसके सीरीज के अंदर बेसिकली पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे आते रहेंगे. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि भाई पेलियोलिथिक एज जिसको अपन कहते हो पाषाण काल का सबसे पहला पार्ट है ना, तो उसके अंदर क्या है, कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, कैसे हम पास हुए. तो उससे सबसे पहले आपको एक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर एक मैप दिख रहा होगा. ये पर्टिकुलर अफ्रीका का मैप है. अफ्रीका के अंदर अभी जो पूरा का पूरा जो टोटल अपना क्या बोलते हैं इसे स्टार्टिंग पॉइंट आप जो कहते हो जहां से ह्यूमंस का माइग्रेशन शुरू हुआ वो पॉइंट बेसिकली अफ्रीका माना जाता है. तो अफ्रीका के अंदर कुछ लोग रहते होंगे. जो मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ से पर्टिकुलर स्टार्ट किया होगा इन्होंने और उसके बाद में इन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया होगा. तो माइग्रेट करके कुछ लोग सहारा डेजर्ट की तरफ चले गए होंगे, कुछ लोग ग्रासलैंड की तरफ आ गए होंगे और कुछ लोग नाइल रिवर की तरफ चले गए होंगे. तो आप लोग इतना तो अच्छे से जानते ही हो कि भाई अगर लोग यहाँ से सहारा डेजर्ट की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस है उसमें से कोई बचा नहीं होगा, है ना. सब मर गए होंगे क्योंकि पानी की कमी थी, खाने की कमी थी, ऑब्वियस है ना. कुछ लोग ग्रासलैंड्स के अंदर चले गए होंगे, है ना, और कुछ लोग नाइल रिवर की तरफ चले गए होंगे. तो अब क्योंकि ग्रासलैंड वाला जो इलाका है आपको जो दिखाई दे रहा है, इस ग्रासलैंड वाले इलाके के अंदर बेसिकली आप लोग गौर करोगे कि लंबी घास होती है. ग्रासलैंड वाले इलाके के अंदर लंबी घास होती है. तो जब बेसिकली हम पुराने जमाने की अगर बात करें तो एक तरीके से हम वेल डेवलप्ड नहीं थे, हमारी थिंकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं थी. तो हम पेड़ों पर रहना पहले पसंद किया करते थे. तो उस टाइम पर हमें झाड़ों को पकड़ कर चलने की आदत थी. तो हमारे हाथ क्या थे, खाली नहीं थी उस टाइम पर. लेकिन बाद में जब हम ग्रासलैंड की तरफ मूव करे होंगे तो लंबी, ये देखो जितने भी मैं बातें कर रहा हूँ ऑब्वियस है सब अजम्पशंस हैं. ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे प्रीवियस जिन्होंने बुक्स लिखी है उसके अंदर यही सब जो डाटा है उन्होंने सभी ने अजम्पशन लेकर इस पूरे पर्टिकुलर हिस्ट्री को फॉर्म किया है, एशियन हिस्ट्री को. तो क्योंकि इसका पर्टिकुलर कोई रिटन प्रूफ नहीं है हमारे पास में, तो सभी का एक पर्टिकुलर अजम्पशन है. तो जो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसे इंपॉर्टेंट है या फिर सबसे ज्यादा जो मीनिंगफुल अजम्पशन है मैं उसी के बारे में बात करूंगा आपके साथ में. तो ये ग्रासलैंड की तरफ गए होंगे, वहां पे लंबी घासें होगी, तो घास को उन्होंने अपने हाथों से, क्योंकि बिकॉज ऑफ हैंड्स फ्री है ना, तो उन्होंने हाथ को हाथ से घास को हटाना सीखा जिससे उन्हें पता चला कि हाँ भाई कैसे क्या किया जाता है. तो इस टाइम पर ही सबसे पहले फायर डिस्कवरी हुई थी. बिकॉज आप लोग अच्छे जानते हो अफ्रीका के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है. गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण हो सकता है वहां पर सडन आग लग गई हो. आग लगते ही देखा होगा स्टार्टिंग में हम लोग वहां से भागे होंगे, है ना, वहां से भागे होंगे. बाद में धीरे धीरे हम उसके साथ फेमिलियर हुए होंगे, हमें पता चला होगा कि हाँ भाई ये तो रोजाना का ही खेल हो गया है देखने के लिए. तो कभी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, इस फायर के अंदर हो सकता है कोई एनिमल फंस गया हो, है ना, और वो एनिमल जल गया हो, है ना, बर्न हो गया हो. बर्न होने के साथ में क्या हो गया, वो पक गया हो, जिसको आप कहते हो मतलब एक तरीके से पक जाना, कुक्ड हो जाना, है ना, आराम से बर्न हुआ हुआ. उन्होंने पहली बार उस मरे हुए जानवर को खाया होगा तो उन्हें पता चला होगा कि हाँ शायद मरे हुए इस जले हुए जानवर को भी खाया जा सकता है. तो वहां से हमने बेसिकली फायर का डिस्कवरी सीखा होगा, है ना. तो आप लोग इतनी बात तो समझ गए होंगे. उसके बाद में कुछ लोग गए होंगे ऊपर की तरफ, जो मैंने जैसा कि मैंने बताया नाइल रिवर की तरफ, वहां पर उन्हें खूब सारा खाना मिला होगा, है ना, खाना मिला होगा रहने के लिए, फ्रूट्स मिले होंगे, है ना, और पीने के लिए पानी मिला होगा. वहां पर वो काफी टाइम तक एक्सटेंड कर गए होंगे, काफी देर तक उन्होंने वहां पर काफी हजारों सालों तक. अभी ऑब्वियस है ये जो पूरा मैं अफ्रीका वाला ये जो रीजन का माइग्रेशन बता रहा हूँ, है ना, ये ग्रासलैंड की तरफ का, ये सहारा की तरफ का, और ये मैं बात कर रहा हूँ नाइल रिवर के आसपास की. ये नाइल रिवर है और यहाँ से आगे एशिया शुरू हो जाता है ना. तो मैं जिस जगह मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर उन्हें काफी सारा फ्रूट्स मिले होंगे, काफी सारे बाकी और चीजें मिली होगी खाने वाली. तो यहाँ पर उन्हें काफी अच्छा सर्वाइवल चला. जब ये सर्वाइवल काफी अच्छा चला तो उन्हें एक बात का रियलाइज हो गया होगा, रियलाइजेशन हो गया होगा
क्या रियलाइज हुई होगी कि भाई पानी यानी कि वाटर बॉडी इज टू एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये बात उन्हें समझ में आई होगी। तो आप लोग आज जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन देख पा रहे हो, चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो, चाहे आप चाइनीज सिविलाइजेशन देख लो, चाहे आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देख लीजिए, जितने भी आप बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन देख पा रहे हो, सारी की सारी किसी ना किसी पर्टिकुलर रिवर के आसपास ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अपनी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर है, इंडस के किनारे पर है। चाइनीज सिविलाइजेशन है हांगवा, जो आपकी रिवर है ना, उस रिवर के आसपास में आपको मिलेगी। तो मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में इसी चीज के बारे में बात करने वाला। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि माइग्रेशन कैसे हुआ होगा। मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं बीच में यहाँ पर ये वैदिक वैदिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं 2000-5000, मैं 20 लाख साल पहले की बात कर रहा हूँ। 20 लाख साल पहले माइग्रेशन ऐसे हुआ होगा शुरू। अब पहले के लोग जो है पर्टिकुलर एक प्लेस पे तो रहते नहीं थे, मतलब वो घुमंतु जिसको आप कहते हो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना पसंद करते थे। वो पर्टिकुलर फायर की डिस्कवरी हुई, आपको पता होगा कि ये जब ऐसे घूम रहे हैं तो क्या करते होंगे, फूड गैदरिंग। फर्स्ट वाला पोर्शन क्या है, फूड गैदरिंग, वो फूड गैदर करते होंगे घूम घूम कर, हंटिंग करते होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा हंटिंग। हंटिंग के बाद में फॉर एग्जाम्पल उनको हंटिंग करने के बाद में कभी उन्हें समझ में आया होगा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। किस चीज के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, यानी कि जिसको डेमोंस्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स कहते हैं, कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि भाई ये एनिमल्स को ऐसे रखा जा सकता है ना। उसके बाद में उन्हें पता चला होगा कुछ एग्रीकल्चर के बारे में, है ना, एग्रीकल्चर के बारे में। अब जब वो एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत समझे होंगे तो उन्हें एक बात समझ में आई होगी, क्या समझ में आया होगा कि अगर हम खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर जगह की हमें देखभाल करनी पड़ेगी। तो वहां पर शायद उन्हें सबसे पहली बार ये समझ में आया था कि भाई हमें एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहना पड़ेगा, यानी कि वो जो वो घूम रहे थे अब वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहना शुरू कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर। बाद में जब वो एक जगह रहने लग गए, अब उन्हें खाने के लिए घूमना नहीं पड़ा, किसी का वेट नहीं करना पड़ा, फूड गैदरिंग नहीं करनी पड़ रही थी इतनी ज्यादा, और वो हंटरिंग के साथ में थोड़ा बहुत काम करके और दूसरा एग्रीकल्चर से अपना गुजारा कर रहे थे। तो आपको पता है जब वो इतना समय जो इतना टाइम था जो वो पर्टिकुलर फूड गैदरिंग के अंदर जिनका वो टाइम कंज्यूम हो रहा था, वेस्ट हो रहा था, वो टाइम अब बचने लग गया था, है ना। अब वो टाइम अगर सेव होने लग गया है तो इंसान बोर होना शुरू हो गया होगा, मे बी पॉसिबल। और जब वो बोर होना शुरू हुआ तब वहां से इन्होंने आर्ट के बारे में सोचना शुरू किया होगा। आज अब वो कैसे सोचना शुरू किया होगा, हो सकता है उन्होंने थोड़ा मोड़ा, अब ऑब्वियस है डेवलप्ड सोच नहीं थी, थिंकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं थी, तो मे बी पॉसिबल उन्होंने छोटा मोटा खेल खेलना शुरू किया हो, हो सकता है उन्होंने पेंटिंग के बारे में सोचा हो सकता है उन्होंने नाचने गाने के बारे में कुछ सोचा हो। गाने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है नाचना, कुछ भी पर्टिकुलर एक ऐसा एंटरटेनमेंट का सोर्स उन्होंने सोचा हो। तो अगर अब मैं इन सब के बारे में बात करूं तो पर्टिकुलर आपका जो भीमबेटका की गुफाएं जो आप पर्टिकुलर देख पाते हो अपने जो एमपी के अंदर, है ना, एमपी के अंदर जो गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफाएं, वहां पर आप लोगों को पता होगा अप्रोक्सीमेट 16 कलर्स के अलग अलग पेंटिंग्स मिली है, 16 कलर्स की। और ये कलर्स आपके क्रेयॉन वाले कलर नहीं है, ना ही आपके पेंसिल और मोम वाले कलर है, ये वो कलर्स नहीं है, ये थे नेचुरल कलर। नेचुरल कलर कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने ब्लू एल्गी से कुछ किया हो, एग्जांपल के लिए कुछ, और पेड़ की पत्तियों से ग्रीन क्लोरोफिल का यूज किया हो, ऐसे कुछ। तो उन्होंने नेचुरल कलर्स का यूज करके पेंटिंग्स बनाई है। और ये आप एमपी के अंदर जो मध्य प्रदेश के अंदर ये जो गुफाएं हैं ये काफी ज्यादा है, एक दो नहीं है, 10,000 से भी ज्यादा गुफाएं ऐसी है जिसके अंदर ऐसी 16 डिफरेंट कलर से पेंटिंग्स बनी हुई मिली है। इसका मतलब ये हो गया, यहां से दो तीन चीजें पता चलती है। पहली बात ये, इन्हें शेल्टरिंग के बारे में पता था, मतलब रहने के लिए एक जगह पर रहना कैसी है। कलर्स के बारे में इनकी अच्छी खासी मतलब नॉलेज थी, ये कलर्स के बारे में जानते थे। एंटरटेनमेंट का सोर्स था इनके पास में,
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने काफी जो पेंटिंग्स बनाई है उसके अंदर कुछ हॉर्स की पेंटिंग मिली है, काफी और अलग 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 जानवरों की पेंटिंग मिली है। इसका मतलब ये हुआ, इस इमेजेस से, ये जो पेंटिंग है, इन पेंटिंग से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि भाई जिन चीजों की वहां पर पेंटिंग मिली है उनसे क्या प्रूव किया जा सकता है। सोचिए सोचिए, मैं हूं, मैं कुछ ऐसी चीज की तस्वीर बना सकता हूं जो मैंने कभी देखी नहीं है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसका मतलब यही हुआ, इन्होंने जो भी तस्वीरें, जो भी पेंटिंग बनाई होगी, ये वही चीजें हैं जो उन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखी है। इस बात को आप शायद समझ पा रहे होंगे। अगर मैं कहता हूं यहां पर हॉर्स की पेंटिंग मिली है, इसका साफ श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि पेलियोलिथिक एज में हॉर्स एग्जिस्ट करता था। समझ आया बात आपको? तो आई होप आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होगी पेलियोलिथिक एज के बारे में, हल्की फुल्की, कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो जहां जहां से एग्जिस्ट कर रही थी, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से अपन ये समझ पाते हैं कि भाई क्या चीजें हैं, कौन कौन सी, शेल्टरिंग के बारे में पता था, कलर के बारे में पता था, एंटरटेनमेंट के बारे में पता था, नेचुरल कलर क्या होते हैं, कौन कौन सी पेंटिंग्स है, कौन कौन सी जगह है, इसके बारे में आप लोगों को आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। सो पेलियोलिथिक एज के बारे में जो मैं आपको बताया, जब तक जितना अपन ने डिस्कशन किया है, पेलियोलिथिक के बारे में अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं था, तो आप एक बार ये लाइन भी याद कर लीजिए, मैंने आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ये बताना भूल गया था कि पेलियोलिथिक एज को पेलियोलिथिक ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब आपको पता है हंटिंग का काम चलता था वहां पर। अब हंटिंग का ऐसा तो है नहीं आप जाके किसी को हाथ से मार दोगे, ऑब्वियस है किसी ना किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, कोई औजार का यूज करना पड़ेगा। तो ये औजार जो बनते थे वो उस टाइम पर इतना कोई ज्यादा खास मेटल्स की खोज हुई नहीं थी, तो पत्थरों का, यानी कि स्टोन का काम किया जाता था, स्टोन का यूज करते थे। तो स्टोन जो होते थे, अब क्योंकि हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी थी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी उस टाइम पर, सो उस टाइम पर जो हथियार यूज करते थे स्टोन एज अ जो आप क्या बोलते हैं उसको, वेपन्स की तरह जो स्टोन यूज किए जाते थे, उनके अंदर क्या था, परफेक्ट शेप नहीं हुआ करती थी। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पेलियोलिथिक एज। उसके बाद अगर मेजो और नियो की बात करेंगे, उसके अंदर मैं आपको इसके जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में जरूर बताऊंगा। फूड गैदरिंग में आपको बता चुका हूँ, पाई डिस्कवर बता चुका हूँ, एंटरटेनमेंट बता चुका हूँ, कलर नॉलेज बता चुका हूँ। अपने इंडिया के अंदर बेसिकली दो से तीन साइट है, एक है आदमगढ़, एक तो है आदमगढ़, एक है पल्लमवरम चेन्नई और एक है भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में अच्छे से मैं बता चुका हूँ आपको कि लगभग लगभग 500 से लेकर 1000 के बीच में यहाँ पर गुफाएं मिली है, जहाँ पर ये 16,000 की पेंटिंग्स मिली है, और लगभग, और आदमगढ़ के अंदर, और ये चेन्नई, चेन्नई का पल्लमवरम है, वहां पर भी आपको पेलियोलिथिक एज की कुछ पर्टिकुलर एविडेंस मिलते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ पर पेलियोलिथिक एज का एरा हुआ करता था। सो आई होप आपको पेलियोलिथिक एज के बारे में हल्का फुल्का थोड़ा मोटा आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे मेजोलिथिक एज के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी सेफ, थैंक यू सो मच।